हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अन्नू कुमार एंड आप स्टडी कर रहे हैं गीता आईएएस एकेडमी चैनल पर। और जैसा कि गीता आईएएस एकेडमी चैनल पर एक स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है स्पेशल फॉर यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, एच टेट, ईवीएस की, जो अभी टेस्ट सीरीज चल रही है। हमारी टेस्ट सीरीज स्पेशली यूपी टेट का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, यूपी टेट के लिए हमने स्टार्ट की है। और सी टेट का एग्ज़ाम भी दिसंबर में होना है और अबाउट इसी टाइम पे केवीएस की भी डेट आ जाएगी। एच टेट का एग्ज़ाम भी अबाउट दिसंबर में होना है। सो हमने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज अनाउंस की है, स्टार्ट की है ओनली फॉर यूपी टेट, यूपी टेट 2018 2018 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज है। इसको देखना मिस ना करें। आप सभी इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करें और ट्राई करें कि एक अच्छा स्कोर बना पाए आप एग्ज़ाम में, यूपी टेट के एग्ज़ाम में। जितना अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी नेक्स्ट जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसमें भी सिलेक्शन की श्योरिटी रहेगी। सो जितना अच्छा आप एग्ज़ाम करेंगे ये इसका बेनिफिट आपको ही होगा, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारी टेस्ट सीरीज का पार्ट चल रहे हैं उसका आज पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में हम आज फिर से 2020 टेस्ट सीरीज चल रही है, फिर से 20 क्वेश्चन लेकर आपके लिए हाजिर हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और बहुत अच्छे क्वेश्चन लाए हमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट का जो पेपर है उसके लिए अब 30 डेज रह गए हैं, 30 to 35 डेज रह गए हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग जहाँ से भी आपको रिसोर्स से जो भी आपको स्टडी का मैटर मिल रहा है वहाँ से स्टडी करते रहें और हमारी टेस्ट सीरीज से भी कंटिन्यू जुड़े रहें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अस्तित्व के लिए संघर्ष। फर्स्ट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड इकोलॉजी से, जो कि एनवायरनमेंट के पोर्शन से पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए उन्हीं में से एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अस्तित्व के लिए सिद्धांत प्रतिपादित किया फ्रेंड्स चार्ल्स डार्विन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का को प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र यानी कि ट्रांजिशन एरिया। टू एरियाज हैं, एक एरिया और दूसरे एरिया के बीच में जो ट्रांजिशन फेज होता है, ट्रांजिशन एरिया होता है, सो उसको क्या क्या कहलाता है, वो एरिया क्या कहलाता है? सो फ्रेंड्स, दो भिन्न समुदायों के बीच का, कम्युनिटीज के बीच का जो क्षेत्र संक्रांति क्षेत्र है वो कहलाता है इकोटोन। और इकोटोन कैसा हो सकता है? नैरो, छोटा हो सकता है, वाइड, लंबा हो सकता है, लोकल लोकल एरिया में भी हो सकता है, रीजनल रीजनल भी हो सकता है। सो जो ये इकोटोन है, इकोटोन किस तरीके से हो सकता है? नैरो, वाइड, लोकल हो सकता है, रीजनल हो सकता है। और जो इकोटोन है, इकोटोन को क्या डिफाइन किया गया? इकोटोन है ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम्स या बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। दो बायोलॉजिकल, एंड हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज का भी स्टडी करते हैं। एनवायरनमेंट के एक्चुअली जो डेफिनेशन है उसमें बायोटिक, एबायोटिक, जैव, अजैव, सभी जितने भी जैव अजैव जितने पर्यावरण में तत्व हैं सभी का अध्ययन किया जाता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में। सो उसी में ही जो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, जो हमारी बायोलॉजिकल कम्युनिटीज समुदायों का अध्ययन किया जाता है वो भी एनवायरनमेंट में किया जाता है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में। सो इसलिए ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम्स या बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज हैं, एक ए है एक बी है, उनके बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड इकोटोन, उस एरिया को इकोटोन कहा गया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास है लेकिन अस्थायी रूप में, विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास अस्थायी रूप में है उसको क्या कहलाते हैं? एक टर्म है फ्रेंड्स, विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास अस्थायी रूप में है,
इसको ये टर्म कहलाई जाती है एक्यूमेन। ध्यान से इसको लर्न कर लेना, अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना, देख लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डार्विन के उद्विकास सिद्धांत के अनुसार जीवों में भिन्नताएं किन कारणों से उत्पन्न होती है? चार्ल्स डार्विन ने उद्विकास, जो जीवों में उद्विकास हुआ है, किस तरीके से उनमें चेंजिंग आए हैं, मतलब जैसे जिराफ वाला वो एग्जाम्पल दिया हुआ है डार्विन का, वो उत्परिवर्तन कैसे उद्विकास हुआ है उसमें, तो जीवों का जो डार्विन चार्ल्स डार्विन ने जो उद्विकास का सिद्धांत दिया है, जीवों में ही बनता है, किन कारणों से उत्पन्न हुई, तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है बेसिकली कि जीवों में जो डिफरेंसेस आए हैं, धीरे धीरे जीवों में जो विभिन्नताएं आई हैं, वो किन कारणों से उत्पन्न हुई है। आंसर है फ्रेंड्स, इसका आंसर है प्राकृतिक वरण। प्राकृतिक वरण कि प्रकृति के अनुसार खुद को ढालते गए, प्रकृति के अनुसार संतुलन करते गए, उसी को कहा गया डार्विन का, ये जो डार्विन की जो थ्योरी में जो जीवों में भिन्नताएं आने का जो रीजन माना गया है, उसको माना गया प्राकृतिक वरण, यानी कि नेचर के अकॉर्डिंग खुद को ढालते जाना, उसके अकॉर्डिंग ही संतुलन बिठाते जाना, नेचर के साथ संतुलन बिठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक वरण सिद्धांत में शामिल किया गया था, ये देखिए, अब प्राकृतिक वरण सिद्धांत में क्या क्या इंक्लूड किया चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी में, चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक वरण सिद्धांत में शामिल किया गया था, इसमें ये जो आपके 3 पॉइंट्स हैं, क्या क्या शामिल किया गया था, जो सर्वोत्तम है वही जीवित रहेगा। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी में प्राकृतिक वरण के सिद्धांत में दिया गया कि इसमें शामिल किया गया था जो सर्वोत्तम है वही जीवित रहेगा, अस्तित्व हेतु संघर्ष, प्रकृति में अगर बने रहना है फ्रेंड्स, देखो अस्तित्व के लिए संघर्ष या अस्तित्व हेतु संघर्ष के लिए है कि आपको अगर प्रकृति में चेंजेस हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अस्तित्व हेतु संघर्ष, सभी जीव जंतुओं ने क्या किया है, प्रकृति में चेंजेज आते हैं, अपने अस्तित्व हेतु संघर्ष किया है। संसाधन के अनुसार संतुलन, थर्ड जो पॉइंट इसमें प्राकृतिक वरण सिद्धांत में शामिल किया किया है चार्ल्स डार्विन जी ने, वो है संसाधन के अनुसार संतुलन, कि संसाधन है जो रिसोर्सेज हैं, जितने कम हैं या ज़्यादा हैं, उनके अनुसार ही प्रकृति में एडजस्टमेंट करना, संतुलन बिठाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डार्विन का उद्विकास सिद्धांत आधारित है, अब जो अभी हमने पूछा था उद्विकास सिद्धांत की थ्योरी किसने दी थी, तो वो दी थी चार्ल्स डार्विन ने। अब देखिए फ्रेंड्स, डार्विन का उद्विकास सिद्धांत आधारित है, डार्विन का जो उद्विकास सिद्धांत है वो उत्परिवर्तन पर आधारित है। उत्परिवर्तन, ये देखिए टर्म्स फ्रेंड, उत्परिवर्तन, ये बार बार बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशंस के ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनी है हॉलीवुड के, मानव में भी म्यूटेशन, उसमें ह्यूमन बॉडी में म्यूटेशन दिखाया है, कैसे चेंजेज हो रहे हैं कुछ, और इस तरीके से दिखाया गया कि आदमी का थोड़ा पंख निकल आए, वो दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। वो म्यूटेशन होता है कि इस तरीके से उसमें उत्परिवर्तन हो रहा है, चेंजेज हो रहे हैं, वो इस तरीके से कुछ मूवीज में भी कल्पना करके दिखाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको देख लेना। तो डार्विन का जो उद्विकास सिद्धांत आधारित है वो है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, किस तरीके से जानवरों में जो भी हुआ, जीवों में किस तरीके से उत्परिवर्तन हुआ है, उस पर आधारित है डार्विन जी का उद्विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि ये एनवायरमेंट जो ईवीएस वाला पोर्शन है वहां पे भी पूछा जाता है एनसीएफ। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपका साइकोलॉजी में पूछेगा, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपके ईवीएस में आस्क किए जाते हैं, एंड फ्रेंड्स इससे रिलेटेड मैथ में भी आस्क कर सकता है एनसीएफ। मोस्टली ये प्राइमरी लेवल के लिए एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके किसी भी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, ऑल सेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर हम एक टॉपिक भी बनाएंगे एनसीएफ से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग
अच्छे से तैयार कर लेना टॉपिक, मैं इसका पूरा कंप्लीट कराऊंगा एक बार, एक वीडियो स्पेशल NCERT पे ही बनाऊंगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। सो फ्रेंड्स अभी देखते हैं एनवायरनमेंट में बेसिकली इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एनवायरनमेंट एनवायरमेंटल स्टडीज से ही रिलेटेड करके पूछा जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्लियरली दिया गया है पर्यावरण अध्ययन, टर्म्स दी हुई है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज जो टीचिंग से रिलेटेड है उससे रिलेट्स करके ये क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है EVS में दिया गया है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, NCERT 2005 में जो पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर लिया गया है उसका प्रमुख एम क्या है, मेन एम क्या है उसका, उसका प्रमुख उद्देश्य है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, एनवायरनमेंट से जोड़ना, बाहर के जो हमारे सोशल और एनवायरनमेंट एरिया है। बेसिकली ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि एनवायरनमेंटल स्टडीज को क्यों ऐड किया गया है, किस लिए ऐड किया गया है, तो मोस्टली इसका आंसर यही होता है 99% की कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर से जीवन बाहर के जीवन से जोड़ना, या इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये तो श्योर है, ये तो आंसर है ही इसका NCERT 2005 का। बट अदर टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे क्यों ऐड किया गया है, पर्यावरण अध्ययन क्यों लिया गया है, क्या उसका एम रहा है, और उसमें बहुत सारे सिमिलर मिलते जुलते ऑप्शन देगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो इसमें ये भी हो सकता है सामाजिक और परिवेश से जोड़ना, जो हमारे कक्षा कक्षीय जीवन के जीवन है, जो कक्षा कक्षीय अधिगम विद्यालय के बाहर से जो जीवन से जोड़ना है वो कौन से सामाजिक और पर्यावरण जीवन से जोड़ना। सो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, अच्छे से इसको मैं कराऊंगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता एवं स्थान दिया गया है। अब ये भी सेम उसी से रिलेटेड है कि NCERT की उसी टाइप्स का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT की बुक्स में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता एवं स्थान दिया गया क्यों, चिंतन और विषम्य के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने कहा था कि इसका ये आंसर है NCERT में क्यों एनवायरमेंट लिया गया, चिंतन और विषम्य के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। जैसे कि हमने कहा था कि स्टार्टिंग में हमने टू पार्ट वन और पार्ट टू टेस्ट सीरीज के रखे थे, क्योंकि जो यूपी टेट स्पेशली यूपी टेट के थे जो क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं उनमें इजी भी थे, कुछ फ्रेंड्स को लगा होगा इजी लेवल है, लेकिन अब जो हम प्रिपरेशन करेंगे वो एकदम यूपी टेट और सी टेट के इक्वल लेवल से करेंगे, जिसमें बिल्कुल इक्वल लेवल हो और क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी हो और आपको इसका पूरा पूरा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं इसका कारण है कि, अब आपने देखा होगा पक्षी अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं उसका कारण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, आंसर है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ खाली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं, पंखुड़ी और फूल के बीच में जो पतली पाउडर जैसी संरचना या रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं, उनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पराग। उस रचना संरचना का जो व्हाइट कलर की दिखाई जाती है उसको कहा जाता है पराग। हमिंग बर्ड तितलियों कीटों का ये मोस्टली हमिंग बर्ड तितलियों कीटों का खाद्य पदार्थ होता है, और मधुमक्खियां, और ये आपको बता दूं फ्रेंड्स मधुमक्खियां जो शहद बनाती है वो भी इस पराग से ही बनाती है, शहद का निर्माण करती हैं इस पराग से ही करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उस वैज्ञानिक का क्या नाम था जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट में ताक झांकी, सर्वप्रथम जिसने पेट के मच्छर सॉरी पेट के मच्छर के पेट में ताक झांकी और सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। सो फ्रेंड्स उन वैज्ञानिक का नाम था रोनाल्ड रोस, ब्रिटिश चिकित्सक, 1902 में नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया, और इनको नोबेल प्राइज जो मिला मलेरिया के परजीवी, इन्होंने जो मलेरिया के परजीवी की खोज की, मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम,
इनको जो 1902 1902 में जो नोबेल प्राइज मिला वो प्लाज्मोडियम की खोज के लिए मिला। स्पेशली इन्होंने ही बताया था कि मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक करके सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रॉस ब्रिटिश चिकित्सक थे, 1902 में नोबेल प्राइज भी मिला मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अल्बर्नी कौन था? अल्बर्नी यानी अबू रहन रेहान, अल्बर्नी यानी अबू रेहान एक फारसी विद्वान था जो इंडिया में आया, एक यात्री था। उसको संस्कृत की भी बहुत अच्छी नॉलेज थी। संस्कृत का यहाँ पे आया, वो यहाँ पर जो संस्कृत में ग्रंथ लिखे हुए थे उनका अध्ययन किया। अल्बर्नी भारत में महमूद गजनवी, जब महमूद गजनवी ने अटैक किया तो उसके साथ ही अल्बर्नी भारत में आया था और उन्होंने अपनी किताब लिखी, बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी, तारिक अल हिंद, तारिक अल हिंद नामक किताब अल्बर्नी ने लिखी। अल्बर्नी का नेम था अबू रेहान, भी अबू रेहान इनका नेम था, और एक फारसी विद्वान थे। इनको काफ़ी लैंग्वेज आती थी, काफ़ी लैंग्वेज में ये जो अल्बर्नी थे स्किल्ड थे। महमूद गजनवी के साथ भारत आए और इनकी ये किताब है फ्रेंड्स तारिक अल हिंद, अच्छे से इसको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो कम से कम 3-4 एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है यूपी टेट के अलावा, जैसे हमारा जो यूपीपीसीएस के होते हैं, पटवारी, वीडियो, ये सब अदर्स एग्जामिनेशन में भी इसको, इस क्वेश्चन को बहुत पूछा जाता है, और यूपी टेट में कम से कम 4-5 बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, रिपीटेड किया जा चुका है। और जिन जिन आस्पेक्ट से इससे क्वेश्चन पूछा गया उन सबको मैंने एक ही प्लेस पर शामिल कर दिया है। मोस्टली इन्हीं 3-4 थिंग्स के अकॉर्डिंग इसको पूछा गया है। कांस्य के बारे में कथित सही कथन है। सो फ्रेंड्स देखिए, कांस्य के बारे में सही कथन है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है कांसा, तांबा और टीन को पिघलाकर तैयार किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रयोग कांस्य का किया गया है। यह मजबूत होता है, इससे तोप व मूर्ति बनाई जाती है। 3 आस्पेक्ट्स हैं, इनको लर्न कर लेना, अच्छे से देख लेना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कपकपी लगना, बुखार, सिरदर्द, अंत में पसीना आना एवं डॉक्टर द्वारा कड़वी दवाई देना किस रोग के लक्षण है? आंसर है मलेरिया। इसमें जो डॉक्टर दवाई देता है वो कुनेन की छाल की दवाई, छाल से बनी हुई दवाई देता है और ये खाने में बहुत कड़वी होती है। सो फ्रेंड्स ये इसके लक्षण हैं, इनको अच्छे से देख लेना, लर्न कर लेना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, एक छात्र एक का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन सी टेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए क्या स्टेटमेंट है, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास वाले होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं, यह छात्र कहाँ का हो सकता है? फ्रेंड्स इन्वर्टेड कोमाज में ये एक स्टेटमेंट है, एक छात्र की स्टेटमेंट दी हुई है, वो बता रहा है कि उसे और उसकी माँ को खाना, सांप खाना बहुत पसंद है और जब उनकी सांप खाने की इच्छा होती है तो पास वाले होटल में ही जाकर लिंग हू फेन खाते हैं, यह छात्र कहाँ का हो सकता है? आंसर है हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग की प्रमुख डिश है, सांप से बनी हुई डिश है जिसका नेम है लिंग हू फेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, ईवीएस से रिलेटेड करके क्वेश्चन, ईवीएस पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आस्क किए गए हैं सी टैट में। मोस्टली इसी लेवल पे क्वेश्चन आस्क करता है, पॉसिबिलिटी यही रहेगी यूपी टैट में भी इस लेवल के क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं क्योंकि यूपी टैट का लेवल इस बार काफ़ी टफ होने जा रहा है। ईवीएस की पढ़ाई में देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ईवीएस की पढ़ाई के लिए कक्षा में जो प्रश्नोत्तर की तकनीक है उसका सबसे बेस्ट उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो आंसर है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। ये ऐसे भी पूछ सकता है, कक्षा 5 की एक शिक्षिका है, XYZ नेम से कोई भी शिक्षिका है, वो कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक को यूज करती है, वो ये किसके लिए बेस्ट हो सकता है, किस उद्देश्य के लिए, किस उपयोग के लिए बेस्ट हो सकता है? तो आंसर इज शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17,
मर्थ सागर क्या है? मर्थ सागर क्या है? आंसर है सागर जो सभी महासागरों और सागरों से नमकीन है। क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है सी टेट में, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है सी टेट का, बार बार पूछा जा रहा है। इसको भी दो तीन तरीके से पूछा गया है, जितनी इसकी टाइप्स पूछी गई है वो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, जिस जिस तरीके से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 रेगिस्तानी ओक के बारे में सही है। अब ये क्वेश्चन के ऑप्शन में पूछा जाता है, बता दिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा सही है, कौन से सही हैं ऑप्शन, कूट में आ सकते हैं। तो आंसर इसका देखें, रेगिस्तानी ओक जो वृक्ष है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इसकी जड़ें पानी की गहराई तक होती हैं, इसकी जड़ें इतनी गहराई तक जाती हैं जब तक कि वो पानी के पास करीब तक ना पहुंच जाए। और थर्ड इसका जो इसकी विशेषता बताई गई है, इसके तने में पानी जमा होता है, इसके तने में पानी जमा होता है। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको लर्न कर लेना, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी बार पूछा जा चुका है सी टैट का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बार बार इसको रिपीट किया गया है सी टैट में। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है हमारा, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज को किन रंगों में देखते हैं? आंसर है काला और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ आवर टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन नंबर 20, पोचमपल्ली क्यों प्रसिद्ध है? क्वेश्चन पूछा जाएगा पोचमपल्ली क्यों प्रसिद्ध है, पोचमपल्ली किस स्टेट में प्रसिद्ध है, सॉरी पोचमपल्ली किस राज्य में है, पोचमपल्ली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। इस तरीके से ऑप्शन में वो उसको डिस्क्राइब करके देगा एंड उसको आप पूछेगा कि कहाँ पे है, किस राज्य में, क्यों प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली एक्चुअली क्या है, एक गांव का नाम है आंध्र प्रदेश में, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग अलग होने से, तेलंगाना नया राज्य बनने के बाद अब जो पोचमपल्ली एक गांव है, गांव का नेम है वो पोचमपल्ली गांव, अब तेलंगाना राज्य में स्थित है जो कि साड़ियों की बुनाई के लिए फेमस है। सो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। आपको हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे? लेवल इसके बाद हम भी और अच्छा इंक्रीज करते जाएंगे सेम यूपी टेट के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबली क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँ। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी, पार्ट थर्ड हमारी टेस्ट सीरीज का ये वाला पार्ट कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है। कुछ आपके सजेशंस हो तो सजेशन भी मोस्ट वेलकम, आप अपनी सजेशन भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज की जो पार्ट फोर होगा उसमें हम अच्छे क्वेश्चन डालेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ और यूपी टेट में ट्राई करेंगे कि आप बहुत अच्छा स्कोर करो। गुड लक फ्रेंड्स, तैयारी करते रहें एंड कमेंट में ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं हमारी वीडियोज आपको कैसी लग रही हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अपने सजेशन ज़रूर दें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड बाय, टेक केयर।